अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ अपडेट में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं हबीब उमर। आईसीयू में अचानक बिजली कट हो जाने से दो मरीजों की हो गई मौत, कर्नाटक असेंबली में हलचल। 35 साल मौला हुसैन गुर्दे का मरीज और 30 साल चैतियम्मा सांप के काटने का मुतासिर, विजयनगर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में इलाज के दौरान हो गए फौत। झारखंड में बीजेपी कंफ्यूजन पैदा कर रही है, हेमंत सोरेन की गवर्नर से मुलाकात। रियासत में मौजूदा सियासी गैर यकीनी सूरत हाल के पेश नजर गवर्नर रमेश बैस से हुई चीफ मिनिस्टर की मुलाकात। क्या यूपी राम राज्य है? बिहार में बीजेपी लीडरों के कत्ल के बाद तेजस्वी यादव का सवाल, उन्होंने मजीद पूछा कि बीजेपी रियासत में अगर जरायम और इस्मत दरी होती है तो क्या ये जुर्म चीफ मिनिस्टर करते हैं? कोहे पेमा संतोष यादव नागपुर में आरएसएस के दूसरे प्रोग्राम में पहली खातून मेहमान खुसूसी होंगी। आरएसएस ने रिवायती तौर पर जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले मौजूद अफराद को इस मुतवक्को तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी मदु किया है। हैदराबाद में 8 माह की हामिला खातून के कत्ल में रिश्तेदार गिरफ्तार, कत्ल का मकसद इंतकाम था, पुलिस ने बयान दिया। डोमेस्टिक वायलेंस और जहेज के लिए हरासानी के खिलाफ पुलिस में शिकायत पर नाराजगी को लेकर किया गया था कत्ल। एंकर वन, बिहार चोर कैमरे में कैद, ट्रेन हैंगआउट के दौरान मुसाफिरों ने पकड़ लिया चोर का हाथ। बेगूसराय से खगड़िया तक ट्रेन अपने सफर के अख्तिताम पर थी, साहबपुर कमाल स्टेशन के करीब पेश आया वाकया, खिड़की को लटकते हुए चोर की सवारी 10 किलोमीटर तक जारी रही। लुधियाना जेल के अहलकार पर हमला करने के इल्जाम में 5 कैदियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, बैरक नंबर 3 में मुआयने के बाद कैदी रणबीर सिंह से सिम कार्ड वाला मोबाइल हुआ बरामद, असिस्टेंट जेल सुप्रिंटेंडेंट अनु मलिक की जानिब से उसूल हुई शिकायत। एक बड़े बंदर को अपने घर में अचानक देखने के बाद एक शख्स की दिल के दौरे से हो गई मौत, करीमनगर के 45 साल शख्स रुद्रोजू राजू को फौरी हॉस्पिटल ले जाने के बाद डॉक्टरों ने की मौत की तस्दीक। सरेआम शराब पीते पकड़े गए मेडिकल के तलबा का पुलिस पर हमला, ग्वालियर में पेश आया वाकया, मेडिकल कॉलेज के 10 तलबा पर आईपीएस अफसर के गार्ड पर हमला करने, उनका सेल फोन छीनने और तोड़ने और उसकी गाड़ी के टायर पंक्चर करने का आयद किया गया इल्जाम। चेन्नई में 2 सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स खवातीन गाड़ी से टकराने से हो गई हलाक, ऑफिस से घर लौट रही 2 सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स को बेकाबू कार ने रौंद डाला। यूपी की कमसिन 2 दलित बहनों की इज्तिमाई इस्मत दरी के बाद गला घोटकर लाशों को दरख्त से लटका दिया गया, लखीमपुर में पेश आया दर्दनाक वाकया, पूरे गांव में गम और गुस्से की लहर दौड़ गई, 15 और 17 साल दलित बहनों को 5 हैवानों ने बनाया अपनी हवस का शिकार। मुजरिमों को फांसी दी जाए, यूपी में दलित लड़कियों की इस्मत दरी और लाशों को दरख्त से लटकाने का वाकया, मुजरिमों को फांसी दिए जाने का वालिद का मुतालबा। फिल्म एक्ट्रेस नूरा फातेही कॉनमैन एक्सट्रोशन मामले में दिल्ली पुलिस के सामने हुई हाजिर, नूरा फातेही से इकोनॉमिक ऑफेंस विंग की जानिब से दूसरी बार हो रही है पूछताछ। हैदराबाद में अगवा हुई लड़की 2 दिन बाद हो गई दस्तियाब, मां ने जिनसी ज्यादती का लगाया इल्जाम, 2 मुश्तबा अफराद पुलिस हिरासत में, लड़की को तिब्बी जांच के लिए भेज दिया गया और मजीद तहकीकात जारी है। उड़ीसा के एमएलए को जान से मारने की धमकी, नित्यानंद साहू एमएलए को जान से मारने की धमकी के इल्जाम में जाजपुर जिले के एक शख्स को पुलिस ने कर लिया गिरफ्तार। गुड़गांव के एक प्राइवेट स्कूल की 11वीं जमात की तालिबा को ब्लैकमेल करने और जिंसी तौर पर हिरासा करने के इल्जाम में एक 19 साल कॉलेज तालिबे इल्म को किया गया गिरफ्तार। 4 गार्ड्स को कत्ल करने वाले सीरियल किलर से जेल के दूसरे कैदियों को हो रहा है खौफ, 18 साल शिव प्रसाद धरवे पर है 4 सिक्योरिटी गार्ड्स को कत्ल करने का इल्जाम, इस भयानक कैदी को सागर सेंट्रल जेल के आइसोलेशन में कर दिया गया है मुंतकिल। सिकंदराबाद आतिशजदगी मामला, रूबी प्राइड लग्जरी होटल के 2 मालिकों समेत 4 अफराद गिरफ्तार, इस हादसे में 8 अफराद हुए थे हलाक और 11 हो गए थे जख्मी। आम आदमी पार्टी पर बीजेपी का एक और हमला, अगर मुझे गिरफ्तार नहीं किया गया तो प्राइम मिनिस्टर को माफी मांगना पड़ेगा, सिसोदिया का करारा जवाब।
दिल्ली के भजनपुरा इलाके में सहाफियों और टीचर्स के दरमियान तसादुम, सहाफियों और टीचर्स को आई मामूली चोटें। स्कूल में खबर की शूटिंग के दौरान पेश आया वाकया। न्यूज अपडेट का सिलसिला यहीं खत्म होता है। ताजा खबरों के लिए देखते रहिए टीटीवी, और अब मुझे दे इजाजत, अल्लाह हाफिज़।